पापा को नहीं पहचानेगी और फिर वेलकम टू माई अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। तो आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, आज है 2 तारीख, आज है मिष्टी का बर्थडे और हम सब है तिरुपति में। तो हम लोग अभी होटल में ही हैं, अभी हम निकले नहीं हैं और थोड़े देर में हम लोग निकलेंगे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो सब कुछ निकलने के बाद करेंगे। अब मिष्टी बदमाशी कर रही है। सो फ्रेंड्स, मिष्टी एक्चुअली नींद में है, मिष्टी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मिष्टी को हम लोगों ने खिला दिया है। तो थोड़े देर में हम लोग निकलेंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और मिष्टी की नानी दादी सबको ही आए हुए हैं। तो थोड़े देर में मैं आप लोग से सबको ही को मिला दूंगी, वीडियो में ऐड करूंगी सबको। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज मिष्टी का मुंडन भी है तो आज मैं मुंडन मिष्टी का करवाऊंगी तिरुपति में, तो आज वो भी दिखाऊंगी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम सबको यहाँ पे तैयार है और यहाँ दीदी बाबू को खिला रही थी, मैंने तो मिष्टी को खिला दिया था तो कृषि अभी खा रहा था। फिर हम सब निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम जाएंगे तिरुमला पहाड़ के ऊपर। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा ही रहे थे तो मिष्टी के पापा बोलते हैं अब तो तुम्हारे बाल नहीं रहेंगे मिष्टी, तो ऐसे ऐसे करके उसे खिला रहे थे। और हम सब एक ही गाड़ी में जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पहाड़ दिख रहा था, इसी तिरुमला पहाड़ पे हमें जाना है। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब हम निकल रहे हैं तिरुमला पहाड़ के लिए। तो हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लिए थे तो वही हम लोग खा रहे थे, खाते खाते एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ देखिए मिष्टी अपने आप वाटरमेलन खा रही थी और मैंने कुछ बेर लिए थे तो मैं वो खा रही हूँ। तो ये देखिए पीछे से गरुड़ देवता का मैं रिकॉर्ड कर पाई, मैं सामने से नहीं कर पाई क्योंकि मैं बैक सीट में बैठी हुई थी। और यहाँ ये देखिए, ये है मेन एंट्रेंस, इसी एंट्रेंस से हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। तो इस एंट्रेंस में सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको अपना सारा सामान का चेकिंग करवाना होता है फ्रेंड्स। वो सारे सामान के चेकिंग के बाद ही आप को अलाउ किया जाता है कि आप पहाड़ के ऊपर जाएं। तो हम लोगों ने एक एक सामान सब कुछ हाथ में लेके तब हम लोग गए वहाँ पे, चेकिंग हुआ, इवन हमारा भी चेकिंग हुआ। सब चेकिंग करवाने के बाद हम वापस गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठ के फिर निकलेंगे तिरुमला। तो ये देखिए यहाँ पे सबके गाड़ी रुके रहते हैं और सब कुछ चेकिंग करवा के आते हैं फिर निकलते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं तिरुमला के लिए। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, पहाड़ पर है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो कुछ कुछ व्यूज़ हमने रिकॉर्ड किए, वैसे तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा था, ज़्यादा पेड़ वेड़ ही आ रहा था लेकिन था बड़ा अच्छा। तो हम लोग सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तिरुमला पहाड़ पे कुछ और भी टेंपल्स है जहाँ पे सब कोई विज़िट करते हुए घूमते हुए जाते हैं। यहाँ फाउंटेन भी है, बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें मुंडन भी करवाना था और दर्शन भी करना था। तो हम पहाड़ पे जा रहे हैं और जाते जाते एक टेंपल में हम जाएंगे विज़िट करने, हम और बाकी पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। ऐसे वहाँ पे 3-4 टेंपल हैं लेकिन हम एक ही टेंपल में जाएंगे। तो अब वहाँ टेंपल हम लोग पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब हम उतर रहे हैं अपने गाड़ी से और अब हम सब जा रहे हैं उस टेंपल। तो यहाँ सब कोई हम लोग साथ में हैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं टेंपल। तो यहाँ टेंपल के पास में बहुत कुछ बिक रहा था, खाने पीने का सामान भी था, प्लस यहाँ पे मेला जैसा होता है उस टाइप का सब कुछ था, बहुत कुछ बिक रहे थे। तो हम लोग अभी फटाफट से जा रहे हैं टेंपल में। तो टेंपल में यहाँ पे भी लाइन रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लाइन में लग चुके थे ताकि हम फटाफट से दर्शन कर लें, और दर्शन करके हमें जाना था तिरुपति जल्दी से क्योंकि हमारा 4 बजे का वहाँ पे टाइम था दर्शन का। हम लोगों ने टिकट लेके रखा था और यहाँ मैं और दीदी कृषु को और मिष्टी को लेके साइड में खड़े थे, बाकी सब लोगों ने लाइन लगा के रखा था। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से दर्शन करने और दर्शन करते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे फ्रेंड्स अन्न प्रसादम खाने। ये अन्न प्रसादम जो है ये एक तरह का प्रसाद है जो कि तिरुपति में लगभग जितने लोग आते हैं सब लोगों को खिलाया जाता है और एवरी डे 40 से 50 हज़ार लोग खाते हैं। और ये अन्न प्रसादम मतलब इतना टेस्टी था फ्रेंड्स, इतना अच्छा था खाने में। इसमें हमेशा हमें चावल, रसम, पायसम, एक तरह की सब्जी, एक तरह की चटनी, ये हमेशा खाने में मिलता है और इसे हर श्रद्धालु खाते हैं जो लोग भी यहाँ पर तिरुपति में दर्शन के लिए आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं अंदर खाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे डिनर का भी टाइम दिखा रहा है कि यहाँ 9 बजे से 11 बजे तक डिनर भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप तिरुपति में जाते हैं तो आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है कि आपको खर्च करना पड़ेगा पैसा किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए या रहने के लिए।
यहाँ पे हॉल भी दिया जाता है आराम से सोने के लिए, रहने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपका नो कॉस्ट में दर्शन हो सकता है, बस आपके जाने आने का जो कन्वीनियंट फीस लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम आ गए हैं अंदर खाने के लिए, और यहाँ पे कितने लोग बैठ के खा रहे हैं, और वो भी एक बार में कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो आराम से खाते हैं बैठ के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, तो यहाँ पे सर्व किया जाता है केले के पत्ते पे। तो देखिए एक तरह की चटनी है, एक तरह की सब्जी है, और यहाँ पायसम दिया गया है। तो अभी हमें दिया जाएगा एकदम गरम गरम चावल। और यहाँ पे देखिए मैं मिष्टी को दिखा रही हूँ, क्योंकि मिष्टी खुद से चावल लेके खा रही थी। तो यहाँ पे चावल दिया गया है, और हमें साथ में दिया जाएगा गरम गरम सांभर। तो सांभर दिया जाता है, कभी रसम दिया जाता है, साथ में यहाँ पे छाछ दिया जाता है लास्ट में। तो अब हम लोग यहाँ से प्रसादम खा के निकल रहे हैं। और ये जो बस देख रहे हैं ना दोस्तों, ये फ्री बस है, तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता नीचे से ऊपर आने के लिए, सिर्फ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो अब हम आ गए हैं मिष्टी के मुंडन के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अंदर, हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा लॉकर रूम। सो लॉकर रूम भी यहाँ पर फ्री दिया जाता है, बस आधार कार्ड का आपको जेरोक्स देना होगा और आपको यहाँ पर लॉकर रूम फ्री में मिल जाता है। तो ये देखिए मिष्टी अभी अपना बैग लेके खुद चला के लेके जा रही है अंदर। तो मैं बोली मिष्टी को कि आओ तुम ही लेके आओ। तो फिर ये देखिए हम आ गए हैं फ्रेंड्स लॉकर रूम में। तो यहाँ लॉकर रूम में भी आप आराम से चटाई लगा के आराम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कंबल भी दिया जाता है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अपना आधार कार्ड का जेरोक्स देना होगा। अब हम जा रहे हैं टोकन लेने। यहाँ टोकन और हमें दो ब्लेड दिया गया है, जिसमें दो ब्लेड इसलिए दिया गया है क्योंकि मिष्टी का फुल मुंडन था और उसके पापा का भी फुल मुंडन था। तो मैंने भी वहाँ पे हेयर दिया, लेकिन उसके लिए ब्लेड नहीं, वो सीजर से कट करते हैं, इसलिए दो ब्लेड दिया गया था। तो अभी हम आ गए हैं मिष्टी के मुंडन के लिए, और फिर यहाँ पे मेरी दीदी अपना आँचल लेके बैठी है, क्योंकि दीदी यहाँ पे मिष्टी का सबसे पहले बाल लेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नियम है कि बुआ मौसी दीदी जो भी साथ में रहेंगे वो वहाँ पे मिष्टी का हेयर लेंगे। और तो फिर यहाँ पे दीदी अपने आँचल में मिष्टी का बाल लेती है, और इसे अब वो जाके हुंडी में डालेगी। हुंडी वहाँ पे पीछे बड़ा बड़ा दो स्टील का हुंडी बना हुआ था, तो उसी हुंडी में जाके मिष्टी के बालों को डालना था। तो दीदी अभी जाके मिष्टी के बालों को डालेगी हुंडी में, और यहाँ पे मिष्टी बालों को भिगा दिया गया है, और मिष्टी अभी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और वो इतना ज़्यादा रोने लगती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल सांस टान टान के ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। एट लास्ट उसे बहुत समझाने के बाद भी वो चुप नहीं हो रही थी। जब वो बहुत ज़्यादा सांस टान के रोने लगी, तो मिष्टी के पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं उसे राइम्स दिखा दूँ, तो शायद वो राइम्स देखते देखते चुप हो जाए, वो राइम्स देखेगी तो फिर वो शायद ना रोए। तो मिष्टी के पापा क्या करते हैं कि वो अपना फ़ोन निकाल के वो राइम्स स्टार्ट करते हैं। तो उधर क्रिशु भी चुप था, क्रिशु भी देख रहा था, लेकिन मिष्टी राइम्स देखने के टाइम पे थोड़ा सा तो चुप हो जाती है। तो राइम्स देखना स्टार्ट होते ही उन्होंने कहा कि चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए। तो इधर ये जैसे ही स्टार्ट करती हैं, मिष्टी वापस समझ जाएगी, और दीदी को उन्होंने मना किया कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कीजिए, मैं तो चुपचाप धीरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो इधर ये देखिए कि उन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया वापस से हेयर को हटाना, मिष्टी देख लेती है, और मिष्टी वापस ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मिष्टी को बिल्कुल भी समझाना मुश्किल हो गया था, और मिष्टी बिल्कुल नहीं, उस आंटी को बिल्कुल मिष्टी टच ही नहीं करने दे रही थी, खुद को टच करते ही रो रही थी। तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्या करें कि मिष्टी मतलब अच्छे से अपना मतलब हेयर हटवाए। तो इधर मिष्टी के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। मैंने कहा था मुझे दे दीजिए गोद में, पर सब लोगों ने कहा कि तुम नहीं संभाल पाओगी, मिष्टी के पापा ही संभाल पाएंगे। इधर मिष्टी के पापा फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार चलाते ही, और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर बाई चांस ये ज़रा सा भी इधर उधर गया और लग गया तो लास्ट में चार जन को पकड़ना पड़ा फ्रेंड्स। यस, चार जन को पकड़ना पड़ा। मिष्टी उसमें बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी, और कंटिन्यू सांस टान टान के रो रही थी। तो ये आधा भी नहीं, जैसे बीच का और किसी तरह चार जनों ने पकड़ के पकड़ाया। तो मिष्टी इतना ज़्यादा सांस टान लेती है ना, इतना ज़्यादा सांस टान लेती है कि मिष्टी का वो बीच का हेयर हटवाने के बाद ही सब लोगों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ दो, उसका सांस अटक गया है अभी नहीं। तो इधर मिष्टी चुप ही नहीं हो रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। ये देखिए मिष्टी
उसके बाद एट लास्ट मिष्टी को मैंने गोद में लिया था, चार जन ने पकड़ा था और सब लोगों ने इसका हेयर अच्छे से हटवाया। और ये देखिए दीदी भी आ गई। तो अब आ गया है टर्न सोनू जी का, क्योंकि सोनू जी भी जब भी तिरुपति आते हैं, वो दो तीन बार आ चुके हैं, तीन बार पहले आ चुके हैं, तो वो जब भी आते हैं वो पूरा अपना हेयर दान करते हैं, तो वो पूरा ही करेंगे। तो इनका भी हेयर का स्टार्ट हो जाता है और उन्होंने मुझे मना किया कि आप नहीं करिए वीडियो, तो मैंने कहा कि मैं बस थोड़ा सा लूँगी स्टार्टिंग करने का। तो इधर इनका होता है मुंडन, इधर ये भी अपना मुंडन करवाते हैं, और इनका इधर देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, ये पूरा ही करवाएंगे। और मैंने बोला कि मैं भी दान करूँगी, तो फिर मैंने भी अपना कितना बोलूँ कुछ 6-7 इंच जितना हेयर दिया था या फिर उससे भी ज़्यादा। तो इधर मिष्टी के पापा आके मिष्टी के साथ अपना खुद को आईने में देख रहे थे और देख के हंस रहे थे कि देखो हम लोग एक जैसे लग रहे हैं। और इधर यहाँ पे मिष्टी फटाफट से तैयार हो गई है, तो मिष्टी पहनी है यहाँ के स्टाइल का कपड़ा, तो शर्ट और मुंडू, और यहाँ पे मिष्टी के पापा भी सेम टू सेम पहने। अब मिष्टी बिल्कुल खुश है और यहाँ सब कोई फटाफट से रेडी हो रहा है। ये देखिए मैंने साड़ी पहना है और मैं भी यहाँ फटाफट से रेडी हो गई हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तिरुपति में, मैं इसके पहले नहीं आई हूँ। तो अभी हम लोग फटाफट से तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी लेट हो चुका था हमारा दर्शन का टाइम 4 बजे का था, पर हमें निकलते निकलते बच गए थे 6। तो अब हम यहाँ से फटाफट से निकल रहे हैं, और यहाँ से हमारे निकलते ही यहाँ देखिए सब पीछे भी सबको आ रहा है। और यहाँ से निकलते ही हम जैसे ही ऊपर तिरुपति टेंपल के पास पहुँचते हैं, तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे गेट बंद किया गया था कि 8 बजे से खुलेगा। तो यहाँ पे हम सब को फ़ोन रख के जाना था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और उसके बाद मैं ये देखिए मैंने कृषि को नहीं दिखाया था, कृषि ने भी मुंडू पहना था, और ये देखिए कितना तो मम्मी से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे मिष्टी को मैंने स्वेटर पहना दिया था क्योंकि बहुत ठंड था, कृषि ने तो इनर वेयर पहना था। तो ये देखिए हमारा तिरुपति का दर्शन हो गया है दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं होटल और अब हम आ गए हैं सोने। तो मिष्टी सो चुकी है, मिष्टी ने खाना भी नहीं खाया था, हमें घर आते आते 12 बज गए थे।